ये वीडियो चालू हो गई, परफेक्ट, ओके। हाँ तो भैया मुझे बताओ फटाक से क्या मुद्दा। व्हाट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? अफ्रीका? अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी निकलती है। भागीरथी निकलती है, ओके। भागीरथी से कौन सी रिवर मिलती है, कहाँ पे? अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? ठीक है, एक करेक्शन कर लो, मैंने तुम्हें बताया था गंगा, मैं गलती से बोल गया था, कस्पेट डेल्टा बनाती है, ऐसे कुछ बोल गया था मैं, राइट? वो आर्कवेट बनाती है, ठीक है, आर्कवेट बनाती है। चार टाइप के डेल्टा बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने भी कोई भी रिवर है चार टाइप की बनाएगी। पहला है बर्डफुट डेल्टा, ठीक है, बर्डफुट डेल्टा जो एक इम्पोर्टेंट रिवर है वही बनाती है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। मिसिसिपी रिवर, वेयर इज इट? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है, राइट। इसको मैंने ये तीन चार रिवर नाम लिए थे, गंगा, मेकोंग, नाइल एंड शाहपरिया, ये सारी के सारे रिवर्स मिलके फैनशिप डेल्टा बनाती है हमारी। गंगा भी इसी में है। आर्कवेट डेल्टा, एस्टुराइन डेल्टा वो होता है जो जिस जगह एस्टुरीज में डेल्टा जैसी चीज बनती है। एस्टुरीज क्या होती है? द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर वाटर एंड ओशन वाटर, वहां पे जो भी डेल्टा बनेगा उसे एस्टुराइन डेल्टा बोलेंगे, जैसे कि नर्मदा, ठीक है, नर्मदा एस्टुराइन लाइक एस्टुरी बनाती है। इन दैट केस लाइक ओ विस्तुला, हमें सबको पता चला कहाँ की रिवर है, ओ कहाँ की है, रशिया की, विस्तुला कहाँ की है, अरे ये भी रशिया की, मेरे से एक, हाँ तुम ही, तुम थे, व्हेन आई आस्क्ड यू कैपिटल ऑफ पोलैंड यू टोल्ड मी व्हाट्स द नेम ऑफ कैपिटल, वॉर्सो वाज इन विस्तुला कैपिटल, विस्तुला रिवर। कस्पेट डेल्टा टीथ लाइक होता है, ठीक है, इस टाइप से जो भी रिवर तुम्हें ऐसे ऐसे डेल्टा बनाते हुए दिखेगी, फाइनली ये टीथ लाइक है, ओके। इट इज लाइक फॉर्म द एब्रो एंड नाइजर, को था एब्रो कहाँ में बहती है, यूरोप में कहा, स्पेन फ्रांस वाले एरिया में, ठीक है। तो ये रिवर्स है जो कि चार टाइप के डेल्टा बनते हैं बस ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, बर्डफुट डेल्टा, आर्कवेट डेल्टा, फैनशिप, सॉरी आर्कवेट डेल्टा, एस्टुराइन एंड कस्पेट, फाइन। क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ अभी तक, बर्डफुट डेल्टा पे आया हुआ है, चार रिवर्स थी, गंगा, मिसिसिपी, अमेजोन, ऐसे करके। तो मिसिसिपी वाज द आंसर, देखना पीवाईक्यू में, ठीक है। टेल मी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, चंबल की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बताओ, बस एक ही पूछ रहा हूँ, काली सिंध, जो बानस, बानस ये इंपॉर्टेंट है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल इज बानस। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना। अब आ जाओ महानदी पे, महानदी ये बताइए, मानसू मना मत करते ना भाई, मुझे तुम ही बताओ भी दोबारा, ये चार रिवर के नाम लिख रहा हूँ, वंशाद्रा, नॉर्थ से साउथ में, और जो लिख रहा हूँ उसको लिख भी लिया करो साथ में, ये हो गया। मुझे बताओ तुम थोड़ा सा, पंजी कौन सी रिवर पे हुई, पंजी, और क्या था, पासेस, टेल मी द नेम्स ऑफ टू पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट लद्दाख, पासेस लिखो, लिखो पासेस ऑफ इंडिया, ठीक है। पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं तो उन्हें पास कहते हैं, जो एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करते हैं, फाइन। तो लिखो जे एंड के पास, लिखो जोजिला, जेड ओ जेड आई एल ए, जोजिला, ला मतलब पास होता है तिब्बतन लैंग्वेज में, ला मतलब, एल ए मतलब पास, तो जोजी और ला अलग, ओके। बुर्जिल पास, बुर्जिला, बनिहाल पास, पीर पांजल पास, ओके। मैं जे एंड के बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी पूछता है, इसमें स्टेट पूछता है, जो क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें नॉर्थ से साउथ नहीं आता, नॉर्थ से साउथ आएगा तो अलग ही, अलग ही सेंस में आएगा, लाइक जे एंड के अलग हो जाएंगे, फिर नीचे वाला पूछ लेगा तो दिख जाएगा, इसमें मैं स्टेट वाइज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जे एंड के में क्या लिखवाया, बुर्जिल पास, पीर पांजल पास, बनिहाल पास, लद्दाख का लिखो, लद्दाख का खारदुंगला, छांगला, युमलिंग ला, यू एम एल आई एन जी, युमलिंग ला, यू एम एल आई एन जी, हाईएस्ट मोटर रिवर, हाँ युमलिंग ला, युमलिंग ला, ठीक है।
जोजिला इसमें कर दो ठीक है, जोजिला इज इन लद्दाख, जे एंड के लद्दाख के बॉर्डर पे, लद्दाख में जोजिला कर दो। ओके हिमाचल के लिखो, इसमें खादुंगा लिख लिया, परफेक्ट। अब आ जाओ हिमाचल में, हिमाचल में बारालाचाला, हिमाचल बारालाचाला, शिपकिला, रोहतांग पास, उत्तराखंड आ जाओ, उत्तराखंड, उत्तराखंड में माना पास, माना पास, नीति पास, नीतिला, नीति पास, एक ही बात है। एंड लिपुलेक, लिपुलेक इज द एरिया वेयर इंडिया एंड नेपाल हैज बॉर्डर डिस्प्यूट। ओके सिक्किम में आ जाओ, सिक्किम दो ही इंपॉर्टेंट पास है इसके, सर बताएगा, सागर नाम है तुम्हारा, अरे भाई नाथुला एंड जेलपला, नथुर जेलप यही मिलते हैं ठीक है। अरुणाचल प्रदेश डिफू पास, सर क्या डिफू, DIPHU डिफू पास, पता है अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों है सर, वहां पे सबसे पहले सूरज की किरण आती है। यस अरुणा मतलब सनराइज, ठीक है अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखा है, डिफू पास, डिफू पास एंड सेकंड इज बोमडिला, बोमडी ला। ओके एक बार नॉर्थ, ये सारे ऊपर हिमालयस के, हिमालयस के पास हैं ठीक है, हिमालयस ये वाले पास है ना, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे थोड़ी क्रोनोलॉजी आती है, लिख लो क्रोनोलॉजी, लाइक नॉर्थ टू साउथ पास लिख लो, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ पासेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया की नॉर्थ साउथ लिख लो, तीन ही है, तीन इंपॉर्टेंट इसके, और दो तो महाराष्ट्र में है और एक आपका नीलगिरी हिल्स में, लिख लो पहले दो, आपका है थालघाट, THAL थालघाट, सेकंड भोरघाट और तीसरा पालघाट, थार भोर पाल ठीक है, ये कहानी है पासिस की। और क्या था सर, और एक ये था इफ आई बिकम PM, हाँ ये लेक्चर रिलेटेड टॉपिक तो करवाएंगे इसको, व्हाट आई विल डू, रिवर्स में और था आपका जो पूछ रहा था, हाँ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, चेमा यमुना ग्लेशियर से, वेरी गुड। मुझे बताओ फिर वो क्या उस वहां पे उसका नाम क्या तिब्बत में, सांगपो, वो कहाँ से मुड़ी, नामचौरा से मुड़ी, वो फिर किस नाम से घुसी अरुणाचल प्रदेश में, परफेक्ट। ब्रह्मपुत्रा क्या कहते हैं, इंडिया से बांग्लादेश में 90 डिग्री टर्न कब लेती है, किस एरिया पे लेती है, बी से नाम है, डुबरी, 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 ओके। इंदस पे आते हैं ठीक है, इंदस पे एक सिटी है ले, मैं बता रहा हूँ, इट्स ऑन राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ऑफ इंदस, सर राइट पे, राइट क्या इंदस ना, हाँ राइट पे होगी सर, राइट लिख लो, राइट लिख लो, लिखवा लिखवा ले, राइट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है। ओए आपके एटमॉस्फेयर की लाइक टेम्परेचर प्रेशर आपकी ये सब कहानियां
विंड लाइक रेनफॉल कितना है आपके उस टाइम में, दिस इज वेदर. और जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए, लॉन्ग पीरियड में 30 से 35 साल के बाद जब उसको मेजर करते हैं कि इस एरिया क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है. जैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट. क्या बोलते हैं हमारे इसको, मॉनसून. आज इसको मॉनसून को ही करवाएंगे, क्या कहानी है मॉनसून, ठीक है. उससे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं कि क्लाइमेट को अफेक्ट कौन करता है. पहला लैटिट्यूड, मैंने बताया था, एक वर्ल्ड के लेवल पे समझते हैं इसको. देखो ये है अर्थ, इट इज कॉल्ड इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ. क्या बोलेंगे इसको, ट्रॉपी ऑफ कैंसर. इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आर्कटिक सर्कल. 66.5 डिग्री नॉर्थ और 63.5 डिग्री साउथ. दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. देखो यार, हमारी ना अर्थ थोड़ी टिल्ट है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर नहीं है. हमारा जो अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है, उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग अमाउंट में रेज मिलती है. इसको जब सेकंड बुक होगी ना तो उसको कराऊंगा, लेकिन अभी अभी के लिए समझो कि जो हमारा जो हम जो अर्थ घूमती है, तो अर्थ घूमती है ना सन के चारों तरफ, है ना. लेकिन सन का अपेरेंट मूवमेंट मतलब कि हमें दिखता है कि सन के आसपास, हमें दिखता है कि अर्थ के आसपास सन घूम रहा है. तो मतलब चक्कर नहीं आते ना घूमते घूमते. तो बेसिकली अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो है वो इन दोनों के बीच में रहता है. लाइक 21 जून को सन आपका चमकता है कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है. 22 दिसंबर पे कहां पे चमकता है वो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. तो इस एरिया में रहता है, समझाया कि सन ओवरहेड मतलब ओवरहेड, इसके बाद वो आगे नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सिस के टिल्ट से. अब इससे क्या पता लग रहा है, लैटिट्यूड से. लाइक मैं इस वाले इस फैक्टर को समझा रहा हूं कि क्या कहता है क्लाइमेट कैसे पता लगेगा. जहां पे सन होगा वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, नॉर्मल से मानते हो. और जहां पे देखो, एक मुझे एक बात बताओ, एक रेज आ रही है डायरेक्ट, राइट, एक आ रही है टिल्टेड, दिख रही है. तो किसमें ज्यादा पावर होगी, जो डायरेक्ट आने, क्यों, क्योंकि कम डिस्टेंस कवर कर रही है, समझ आ रही है. तो जो कम डिस्टेंस कवर करेंगी उनमें हीटिंग पावर ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है. एकदम ओवर हेड पे दोपहर के 12 बजे ज्यादा धूप लगती है ना, सुबह लगती है इतनी या शाम को, क्योंकि टिल्टेड हो जाती है, सन डूब रहा होता है और उस टाइम उग रहा होता है, राइट. तो ये कहानी है यहाँ पे कि इस एरिया में ज्यादा गर्मी रहेगी. लाइक इस एरिया में आपका टेम्परेचर हाई इनफ इतना रहेगा कि प्रॉपर तरीके से आपको उसका इफेक्ट लगेगा. इसके बाद रेस टिल्ट हो जाती है, सन इससे आगे जाता नहीं है लेकिन रेस जाती है उसकी, तो रेस आएंगी वो टिल्टेड रेस जाती है, समझ रहे. तो लैटिट्यूड से ऐसे इसका टेम्परेचर इफेक्ट होता है. इससे ये पता लगे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट हो रहा है किसी भी अर्थ का, राइट. हमारा इंडिया कहां पे लाई करता है, हमारा इंडिया आधा ऊपर और आधा नीचे लाई करता है ना, ये तो लाई करता है. ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, फाइन. तो हमारा अर्थ का आधा पार्ट यहाँ पे लाइक हमारे इंडिया का आधा पार्ट ऊपर है. मुझे बताओ तुम, नेम द स्टेट्स फ्रॉम व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. सर सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम. परफेक्ट. हाउ मेनी ऑफ देम, एट स्टेट्स. नेम द कैपिटल व्हिच इज नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर. आइजवाल. नेम द रिवर व्हिच कवर्स द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. माही. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. तो एज अ समझो, अब एक बात बताता हूँ. देखो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर लो होगा. प्रेशर क्यों लो होगा भाई, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यहाँ की हवा होगी गर्म, और जब हवा गर्म होगी ऊपर उठेगी, ठीक है. ऊपर उठेगी तो उसमें बादल बनाने की कैपेबिलिटी ऊपर आके ठंडी हो जाती है, ऊपर जा रही है. आपने अगर नॉर्मल एक बता रहे हो, जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, ये एल्टीट्यूड बताऊंगा इसको, पहाड़ों में जब चढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है, ठीक है. व्हेन यू गो थ्रू अ माउंटेन टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से वहां पे बादल बनते हैं. एंड दिस इज द रीजन कि इक्वेटर वाले एरिया पे 24 घंटे बारिश वाला एरिया रहता है. ये बारिश एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है यहाँ पे. कैसा, गरम एंड ह्यूमिड. एंड यू कैन सी दिस एरिया हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट. जहां से इक्वेटर जा रहा है आपका, है ना, फॉरेस्ट अच्छे अच्छे. ये प्रॉपर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राजील का सेल्वास,
आपका दिस एरिया कॉन्गो वाला एरिया मस्ट फॉरेस्ट है, अंडमान निकोबार से नीचे आओ, अंडमान निकोबार के लिए दिस वाला एरिया है प्रॉपर अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया ओके। और ये तो खासकर कि यहां पे इसका रीजन क्या है, यहां पे खासकर कि इस एरिया को, इस वाले एरिया को लाइक बार बार मिलेंगे मिलेंगे यहां से, लाइक इसके एरिया जितना भी है मामला, यहां पे प्रॉपर इतना डिस्टेंस इसके पास भी, इतना डिस्टेंस इसके पास भी, अगर यहां पे जाएगा तो उसका डिस्टेंस सन से ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो इक्वली पड़ रहा है दोनों तरफ से। दैट्स व्हाई इट हैव प्रॉपर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है उस टाइम में जहां पे सूरज चमकता है, क्या जहां पे सूरज चमकेगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर कंडीशन, क्योंकि प्रेशर इसका एयर प्रेशर, क्योंकि एयर तो उड़ रही वहां से, नॉर्मल समझ आ रही इतनी सी बात, ये चीज समझो इसमें लैटिट्यूड से कैसे फर्क पड़ रहा है, लैटिट्यूड पे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा कि जैसे जैसे लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे, लो है ना 0, 1, 2, 3, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर घट जाएगा है ना, लो लैटिट्यूड पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, नहीं होगा, सन तो यहीं पे चमक रहा अपना, बताया अभी भी मैंने, अरे समझ हल्की सी तो हल्का हल्का समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा और भी ना जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ी समझ आएगा, और भी अच्छे से समझ आएगा। ये कहानी है जहां पे सन रहेगा वहां पे लो प्रेशर रहेगा एंड हाई टेम्परेचर रहेगा, इतनी बात समझना ठीक है। अब आते हैं हिमालयास पे, देखो यार अगर हमारे नॉर्थ में हिमालयास ना होते तो रशिया से आने वाली कोल्ड विंड हमें भी जमा देती, हिमालयास एक्ट एज अ वेरी गुड बैरियर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड चिली विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समझ आ रही है, देखे रशिया के लोग कैसे रहते हैं, कई फोटो में देखे कुर्ते पजामे में हमेशा कोल्ड विंड में मिलेगा ठीक है, हमारे मुंह तो कहीं भी निकल लेते कुर्ते पजामे में, योगा कर रहे बताओ, समझ आ रही है भाई कहानी। पहला काम तो इनका ये होता है, दूसरा काम ये बहुत में जब मानसून करवाऊंगा बताऊंगा उसमें ये क्या करते हैं, हमारे मानसून अगर ये ना होते म्यांमार में एक माउंटेन रेंज जैसे हमारे में पटकाईबूम कहां पे, पटकाईबूम है नागालैंड में ठीक है, पटकाईबूम मणिपुर हिल्स मेजो हिल्स है, ऐसे म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल तो म्यांमार में अराकान योम है, क्या ये करवा जो एशिया करवाऊंगा मैपिंग में तब बताऊंगा, वहां पे अराकान योम हिल्स है जो कि हिमालयस के पार्ट है, अगर वो ना होती तो हमारे यहाँ पे बारिश इतनी अच्छी ना होती जो अब होती है, तो हिमालयस का बहुत बड़ा रोल है, वो क्या करती है बहुत बड़ा पार्ट जैसे इंडिया है उस बहुत बड़े पार्ट को डिफ्लेक्ट कर देती है इस तरफ, बताओ कितना बड़ा पार्ट है, अगर ना होती तो मानसून सीधा निकल जाता यहां से, आता ही नहीं हमारे पास, वो डिफ्लेक्ट करती है हमारे बहुत बड़े पार्ट को इस तरफ हमारे इंडिया की तरफ, अराकान योम हिल्स, आई टेल यू व्हेन आई विल जस्ट डील, आज ही बताऊंगा इसके बारे में ठीक है। ये बताते ये समझा हिमालय मानसून कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, कैसे बारिश और टेम्परेचर का मामला ऊपर नीचे, भैया बारिश को ज्यादा अफेक्ट करता है, टेम्परेचर बता दिया मैंने, नॉर्थ की विंड को कैसे शील्ड करता है राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, देखो यार क्या होता है पानी, देखो वर्ल्ड मैप देखो, नॉर्मल वर्ल्ड मैप देखना, पानी जो होता है वो उसकी क्वालिटी होती है, पानी की क्वालिटी होती है, ये गर्म भी दिख रहे होता है और ठंडा भी दिख रहे होता है कंपेयर टू लैंड, अगर एक लैंड एरिया है यहाँ पे और इसके चारों तरफ पानी है, समझ आ रही है, तो पानी धीरे गर्म होगा और ठंडा भी धीरे होगा लैंड के कंपैरिजन में ठीक है, कि पानी का सोच करना लाइक नॉर्मल ठंडा और कूल करने से क्वालिटी इतना समझो कि वाटर लिख लो इसको नॉर्मल, ये ना सारे लाइक लिखते रहो साथ में, या फिर लिखवा दो अलग से, लिख रहे हो साथ में ठीक है, तो पानी लैंड से लाइक लिख लो इस चीज को, लिखवा रहा हूँ मैं पूरा एक साथ में लिखवा, पूरा एक साथ लिखवा रहे ठीक है, जायज़ बिल्कुल सही बात ठीक है, पानी लैंड से गर्म और ठंडा धीरे होता है, समझ आ रही है, इसकी वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर चेंज होते रहते हैं, मैंने क्या बताया था जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, है ना, सेम चीज जब इसमें आगे पीछे मामला होगा तो वहां पे भी यही मामला होगा ठीक है। अभी मामला कैसे होता है यहाँ पे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम सी में क्या होता है, ये दो विंड के नाम सुने, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, हल्का फुल्का क्या होता है देखो, मैंने ये इसी कहानी पे वर्क करता है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, इसको मिटा देता हूं, आज समझाते हैं नॉर्मली होती क्या है ये चीज, लिखवा दूंगा इसको मैं, टेंशन नहीं लेने का, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है देखो यार, ये है हमारा सपोज कंसिडर एज डे, हमारा दिन निकला हुआ है इंडिया का ओके
कोस्टल एरिया की बात करते हैं, ये लैंड एरिया है राइट एंड दिस इज सी, फाइन। दिन में क्या होगा, सूरज आया, सूरज आया तो गरम गरम किया उसने, तो कौन सा ज्यादा जल्दी गर्म होगा, मैंने बताया लैंड जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर है ना, और कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन सी में क्या होगा, हाई प्रेशर, और विंड यानी कि हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है ना, और जहां से हवा चलती है, जहां से हवा चलती है वहीं का नाम ले लेती है, जैसे अगर हवा चली नॉर्थ से साउथ में तो नॉर्दर्ली बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, अगर साउथ से नॉर्थ में गई तो क्या बोलेंगे, साउदर्ली, समझ आ रही है, ओरिजिन से नाम पड़ता है, तो यहां पे जो हवा चली इसको बोला सी ब्रीज, समझ आया, सी से लैंड की तरफ आई तो सी ब्रीज, दिस इज सी ब्रीज, सी ब्रीज, समझ आया, सी ब्रीज क्या होता है, है ना, तो इससे क्या फायदा होता है, इसका फायदा क्या होता है भाई, देखो इसका फायदा ये होता है कि आपके कोस्टल एरियाज, जैसे यहां पे गर्मी हुई लेकिन यहां से हवा चली और कोस्टल एरिया का टेम्परेचर उन्होंने बढ़िया कर दिया, मामला सही कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ऐसा दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली सी से कितना दूर है, देखो नॉर्मल बीच का पार्ट देखो, सी से काफी दूर है, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी से दूर रहता है वो, सी क्या करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर को कम ज्यादा कर देता है, ठीक है, यहाँ पे गर्मी में हवा चली ठंडी ठंडी और ठंड में क्या होगा, जो नॉर्मल, क्योंकि इसका बताऊंगा अभी ठंड में क्या होगा नॉर्मल, तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब ऐसे माइनस में नहीं ले जाएगा कभी भी, मॉडरेट कर देगा, बीच का टेम्परेचर रहेगा, कभी सी बीचेस में जाना इस टाइम, वहां तो ठंडी लगेगी इस टाइम पे, रीजन इज ओनली दिस कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना पास में रहेंगे सी के पास उतना ज्यादा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की वजह से वहां पे इन्फ्लुएंस आपका टेम्परेचर का कम रहेगा, क्लाइमेट आपका मॉडरेट कर देगा ये मामला बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब आते हैं रात में, सपोज रात में देखो इसको समर भी कंसीडर कर सकते हो, समझ आ रही है ना, समर का महीना, जैसे कि मैंने बताया क्या हो रहा है यहाँ पे, समर मतलब क्या, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है सूरज, समर मतलब ये है ना, विंटर्स मतलब दूर जा रहा है, नीचे इधर जा रहा है, मैंने बताया 22 दिसंबर द डेट, फाइन, तो ये कहानी है। अब आता है आपका, इसको रात कर देते हैं, इसका उल्टा नीचे बना रहा हूं, जैसे ये है आपका पेनिनसुला इंडिया, ये आपके चंदा मामा, ओके, अब ये है सी, ये है लैंड, मैंने बताया कि लैंड जो है ठंडा भी धीरे होता है ना, गरम सॉरी तेज होता है, ठीक है, लैंड दोनों चीजें तेज करता है काम, तो ये क्या कर रहा है इसने, जैसे रात हुई तो सी क्या हुआ, ठंडा धीरे हुआ और लैंड ठंडा तेज हो गया, तो जब धीरे ठंडा हुआ तो यानी कंपैरेटिवली सी गर्म है लैंड से, है ना, तो हाई प्रेशर कहां पे हुआ, और लो प्रेशर सी में, तो ब्रीज कैसे चलेगी ऐसे, तो लैंड ब्रीज हो जाएगी, समझ आ गई, तो ऐसे मॉडरेट कर देगा तो हवा ऐसे चलेंगी, दिस इज लैंड ब्रीज जो कि रात में चलती है या फिर विंटर्स में लगा लो, ऐसे बता रहा हूं कि क्या कहानी होती है लैंड ब्रीज, इसे ही कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना सी के डिस्टेंस से दूर रहोगे, जैसे दिल्ली की तरफ आओगे ऊपर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आओगे, मॉडरेट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, सी के पास रहोगे आपको ठंड कम लगेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां वाले लोगों को ठंड कम लगेगी कंपेरेटिवली टू देम, समझ आ रहा है, ये सी के ज्यादा पास है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ये कहानी होती है बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, समझ आया, क्लाइमेट कितना अंदर तक रहता है, क्या ये इतना अंदर तक रहता है, हम कंपेयर करते हैं, हम दो प्लेस को कंपेयर करेंगे, समझ आ रही है, इनको तो मस्त पता लगता है, लाइक मुंबई वाला एरिया, यहाँ पे ओडिशा का 1200 एरिया, यहाँ पे विशाखापट्टनम, इनको बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऊपर क्रॉस करेंगे, इस वाले एरिया से नहीं ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज बढ़ जाएंगी, जैसे दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल, हम दूर है सी के, हमें प्रॉपर ठंड में मस्त ठंड लगती है और गर्मी में मस्त गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है और लैंड क्या करता है गर्म ठंडा होता है मस्त तरीके से, ये कनेक्टेड है दोनों के दोनों आपस में, ठीक है। अगला आता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड में एक कहानी होती है, एक टर्म है लैप्स रेट, हाँ भाई सुधीर सुना है ऐसा, लैप्स रेट कहते हैं जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं कितना -6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है, कितना 1 किलोमीटर पे कितना कम होगा -6.5 डिग्री, ठीक है,
इसे लैप्स रेट कहते हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट में अगर आप 8 किलोमीटर जाएंगे, 8 किलोमीटर करेंगे कितना कम हो जाएगा बताओ, 8 से 48 के करीब कम हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। इसलिए ठंड है वहां पे, इसलिए वहां पे ग्लेशियर्स है, इसलिए बड़े बड़े माउंटेन्स में ग्लेशियर मिलते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो, क्विटो इज ऑन पीक, है इक्वेटर पे, वहां पे गर्मी होनी चाहिए, वहां पे मस्त तरीके का लाइक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब बारिश वाला, ठीक है सर, ह्यूमिडिटी है प्रॉपर नॉर्मल, हवा में नमी है, ओके, और हॉट मतलब तो गर्मी है नॉर्मल, इक्वेटर के पास है। बट इक्वेटर की जो कैपिटल है क्विटो, वो है हाइट पे, इसकी वजह से वहां के लोगों को मस्त मामला सही रहता है, ठंडा ठंडा फील होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। माउंट किलिमंजारो वो भी इक्वेटर पे है, लेकिन ग्लेशियर है उसके पास, माउंट है, हाइट है, ग्लेशियर का कारण इक्वेटर नहीं है, ग्लेशियर का कारण है ये एल्टीट्यूड, लैप्स रेट। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, बर्फ कम डरने से जमती है ना, ये कहानी। एक होता है रिलीफ, इसको भी समझा देता हूं अभी, इसको इसे डायग्राम रिलीफ करना, डायग्राम बना लेना, रिलीफ रेनफॉल होता है एक्चुअली, बताते हैं क्या कहानी है। लैंड बेस सी बेस, चलो तो बता देता हूं फिर लिख लेना इसको। देखो ये है पहाड़, ठीक है, कोई भी पहाड़ मानो, वेस्टर्न घाट समझो, सपोज दीज आर वेस्टर्न घाट, ओके, सपोज समुद्र से हवा आ रही है, ध्यान से सुनना, वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी से हवा आएगी, है ना, तो जो हवा आती है, देखो जिसके ऊपर से हवा आती है उसकी क्वालिटी ले लेती है, हवा समुद्र के ऊपर से ही नहीं, हवा में पानी होगा, ह्यूमिडिटी होगी, हवा रेगिस्तान के ऊपर से ही, हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी कंपेरेटिवली टू पानी वाली हवा में, समझ आ रहे इतनी सी बात। तो जब वो आती है सी साइड से, तो हवा क्या करती है, टकराती है इनसे, और टकराती है तो ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर गई, ऊपर जाके हवा ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा होती है तो बारिश, बारिश क्या होता है, बादल बनाती है, ओके, क्या कहते हैं इसको, बारिश, ये बादल बनाती है। और यहाँ पे जब ऊपर चढ़ती है, बादल इकट्ठे हो जाते हैं, पता है जब बादल पानी होल्ड नहीं कर पाते क्या करते हैं वो, बारिश करते हैं, तो ये करते हैं बारिश मस्त तरीके से, क्या कर दी उन्होंने, बारिश कर दी, और यहाँ के लोग बड़े खुशी आ रहे, भाई साहब बारिश होगी, यही तो चाहते थे, गर्मी का मौसम है और क्या चाहिए, बारिश होगी। जहां से हवा आ रही है, यहां से आ रही है, इसे पहाड़ की विंड वार्ड साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, विंड वार्ड साइड, समझ आ गई इतनी सी बात, विंड वार्ड साइड पहाड़ की, इसकी वजह से यहां पे बारिश होती है। लेकिन जब ये इस हवा, ये हवा यहां पे क्रॉस कर जाती है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और इसकी हवा यानी पानी कह रही है इसमें, एवापोरेशन से सीन क्या होगा, मामला ये रहेगा, ये बादल नहीं बना पाएगी, और इसे कहते हैं पहाड़ की लीवार्ड साइड, क्या है ये, लीवार्ड साइड, जहां पे हवा दूसरे साइड में आ रही है, समझ आ गई, लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड में जब हवा नीचे आती है ड्यू टू फ्रिक्शन विद दिस माउंटेन, हवा फ्रिक्शन आ रहा है उसमें और नीचे आ रही है, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे बारिश कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत कम, समझना। सबसे बेस्ट एग्जांपल, वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पार्ट में मस्त बारिश होती है, लेकिन वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाले पार्ट में बारिश होती नहीं है, फॉर एग्जांपल बेंगलोर। द रीजन इज बीइंग इट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ दैट माउंटेन, समझाया, ये रिलीफ बता रहा हूं। जो पहाड़ के विंडवार्ड वाली साइड में रहेंगे उन्हें मस्त बारिश मिलेगी, रीजन ये है, दिख गया सामने रीजन। और लीवार्ड में क्या होगा, नीचे आएगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, वो बादल नहीं बना, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा उसकी हवा में, और फाइनली वो कंपैरेटिवली कम बारिश करेगी, कम, बहुत कम, इससे कम नहीं, बहुत ही कम, इसलिए वो बेचारे पानी के लिए तंग रहते हैं। यही कारण है कि जो हमारा मॉनसून आता है समर वाला, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, बताऊंगा क्यों कहते हैं साउथ वेस्ट, उस कारण से हमारा जब यहाँ पे इंडिया में बारिश होती है जून जुलाई में, होती है ना, जून जुलाई वाला बारिश वाला महीना होता है, होती नहीं होती, तमिलनाडु खाली रहता है, तमिलनाडु में बारिश नहीं होती उस टाइम, रीजन इज बीइंग ओनली दिस, तमिलनाडु यहाँ है ना पहाड़ के इस तरफ, बेचारा खाली चला रहता है, तो यहाँ पे बारिश कब होती है बताएंगे, आते टाइम करवाएंगे इसमें।
ठीक है, यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, अभी ठंड में यहाँ पे बारिश होगी मस्त वाली, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेटिंग है ना वो वाला, मॉडरेटर, बारिश का टेम्परेचर लेना देना नहीं है, बारिश इज नॉर्मली पानी है अपना आपने करवा दिया, ठीक है, बता रहा हूँ उसमें जो टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर इज नॉट द कारण फॉर बारिश देयर, वहां पे कारण है विंड का शिफ्टिंग। हमारे इंडिया का क्लाइमेट है मानसून, ठीक है, ये पांच फैक्टर समझे कैसे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी कहानी इफेक्ट करेगी आपका इंडिया का क्लाइमेट। मानसून कैसे कैसे इफेक्ट होगा अभी डील करेंगे सारा का सारा, ये फैक्टर पता होने, क्लियर हुए हैं फैक्टर, लिख लो फिर इसको, हेडिंग डालो क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लिखो, इन लो लैटिट्यूड्स बिकॉज सनरेज आर डायरेक्ट एंड कवर शॉर्टर डिस्टेंस एंड कवर्स डायरेक्ट, हाथ से चलाना शुरू करो, इन लो लैटिट्यूड्स सनरेज आर डायरेक्ट एंड कवर लेस डिस्टेंस देयरफॉर देयर हीटिंग इफेक्ट इज मोर, देयरफॉर देयर हीटिंग इफेक्ट इज मोर विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एरिया, इस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एरिया, समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं, परफेक्ट। और इसका उल्टा हाई लैटिट्यूड क्या होता है ना, लिख लो इसको, व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर टू हाई लैटिट्यूड, व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर टू हाई लैटिट्यूड्स द सन रेज बिकम ऑब्लीक, मतलब स्लैंटेड हो जाती है, टिल्टेड, बिकम ऑब्लीक, देयरफॉर लेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन रेज, ठीक है भाई, परफेक्ट। अगला आ जाओ सेकेंड, हिमालयन माउंटेन, इसमें लिख लो, हिमालयन माउंटेन्स शील्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ साइबेरियन एरिया, साइबेरिया से आती है ना, साइबेरिया इज अ पार्ट ऑफ रशिया, साइबेरियन एरिया ब्रैकेट में रशिया, एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट इसमें, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अराकान योमा हिल्स इन म्यांमार, बिकॉज ऑफ ARAKNYOMA अराकान योमा, एंड बिकॉज ऑफ अराकान योमा हिल्स इन म्यांमार, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडिया, गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडिया, देयरफॉर ब्रिंग मोर रेन, समझ आ गया आपका हिमालय का। थर्ड और फोर्थ में एक साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है, पहले थर्ड में लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वॉटर लिख लो, वेयर देयर इज मोर लैंड एरिया वी फाउंड एक्सट्रीमिटीज, मतलब एंड पॉइंट तक जाता है, कि -45 डिग्री और दिन में मतलब मस्त तरीके से गर्म भी इतना मस्त होता है ना,
तो वेयर देयर इज मोर लैंड एरिया वी फाउंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन. ओके एग्जाम्पल ले लो दिल्ली, एग्जाम्पल इज दिल्ली, है ना, ठंडी में ज्यादा ठंड, गर्मी में ज्यादा गर्मी. फाइन. फोर्थ में आ रहा डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. इसमें लिखो बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, द प्लेस इज सिचुएटेड, द प्लेस इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट, हैव मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. रजाई लेके मत जाना मुंबई इस टाइम पे, रास्ते में तंग हो जाओगे. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इन सी, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. ठीक है, डायग्राम बना लो जो बनाया था पहले मैंने, ये डे वाला बना लेना, ये सन. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और ये है होगी आपकी सी ब्रीज. दिन में क्या चलेंगी, सी ब्रीज. समझ आ गई, ये डायग्राम बना लो, इसको सी ब्रीज कह देना, और यहां पे एक बनाना चांद बना देना. ओके और यहां पे चल जाएंगे लैंड ब्रीज रात में. ओके दिस इज हाई प्रेशर, स्लो प्रेशर. ये मतलब दिन और रात और सर्दी और गर्मी पूरे टाइम चलती रहती है. दिन और रात एक डे एंड नाइट का मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन वी कैन कंपेयर देम. अभी मैं कराऊंगा ना कि क्या सीन क्या है, सर्दी से क्या रिलेटेड है वो बताऊंगा. क्या सर्दियों वाला जो काम होता है ना वो पूरे इंडिया लेवल पे होता है. जब हमारा मानसून जाएगा, सर्दियों में बहुत कम बारिश होती है, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी है, बताऊंगा क्यों, कि सर्दियों में हमारे लैंड एरिया पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, अभी इसको डे एंड नाइट से कंपेयर करो, अभी मानसून कराऊंगा तब समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ओके तो ये दिन और रात में, वहां पे दिन और रात में तो प्रॉपर चलती है, वहां पे लैंड ब्रिज सी ब्रिज दिन रात का काम होता है वहां पे. ठीक है, ये है आपका. अगला है एल्टीट्यूड, पांचवा. इसमें लैंड ब्रिज सी ब्रिज ये भी लिख लो, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हैपन्स बिकॉज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हैपन्स बिकॉज, द लैंड एरिया हीट्स अप एंड कूल्स, हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन वॉटर एरिया. समझा रहे इतना सा, देयरफॉर क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रेस्पेक्टिवली. समझा रहे, जहां पे गर्मी होगी वहां पे लो प्रेशर होगा, जहां पे ठंड होगी वहां पे हाई प्रेशर एरिया होगा. सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर मतलब एयर वहां पे ज्यादा होगी, एयर का प्रेशर ज्यादा फील होगा. एयर की बात करें, एटमोस्फेयर की बात करें. ठीक है, आपका आता है एल्टीट्यूड, पांचवा एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड में लिख लो लैप्स रेट, लैप्स रेट इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू -6.5 डिग्री सेल्सियस. लिख लो इसमें अपनी लैंग्वेज में, वेन वी गो फ्रॉम, समझ गया ना, वेन वी गो 1 किलोमीटर अबव We find decrease of temperature of -6.5 degree. जितनी लंबी पहाड़ी उतनी दिक्कत. सर स्टार्ट कहाँ से होता है? बेस से, जैसे लाइक ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, राइट, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. जैसे तुम 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे -6.5 घटेगा ही घटेगा. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, जहाँ पे आप है बेस लेवल, जहाँ पे आप खड़े. रिलीफ पॉइंट नंबर 6, रिलीफ. इसमें लिख लो विंड प्लेसेस, लिखो प्लेसेस ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, प्लेसेस ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स
receives great amount of rainfall. However, places on the leeward side of the mountains receives very less amount of rainfall. Very little, very एकदम कम एकदम समझ रहे हो, होती है लेकिन कंपेरेटिवली बहुत कम होती है. विंडवाड़ में तो प्रॉपर बाढ़ आ जाए और लीवाड़ में बूंदे पड़ रही है बस. ठीक है, वो काइंड ऑफ दैट थिंग अभी बताएंगे. चाहे वहां पे ये तो पूरा सूखा पड़ा रहता है, बताओ कितनी बड़ी बात है तमिलनाडु में. ये बिल्कुल यस, ये पूरा सूखा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. वो तो सीधे निकल जाती है. यहाँ पे बारिश कर देखा ना तुमने अमाउंट, अपने फॉरेस्ट रिजर्व कर रहा हूँ नेचुरल वेजिटेशन, तो फॉरेस्ट यहाँ पे है बस और इस एरिया में. और रीजन इज बीइंग कि यहाँ पे मानसून टकरा रहा है तभी वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा है, और जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे पेड़ पौधे कम होते जाते हैं, हरियाली कम होती जाती है. रीजन ही ठीक है, सॉइल भी इसी टाइप से बनती है, सब कुछ रेन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये कहानी है मानसून पे आते हैं. और वहां पे ये भी क्लियर हो जाए जो तुमने पूछा कि सर्दी और गर्मी वाला चीज. ठीक है, देखो हमारे सीजन होते हैं यार, समर सीजन आपका होता है मॉनसून यानी रेनी सीजन, है ना, इसको रेन होते हैं हमारा रेनी सीजन. आपका आता है सीधा फिर विंटर, ये मतलब समर से ये रिलेटेड है. विंटर सीजन से कौन रिलेटेड है, जिसे कहते हैं रीट्रीटिंग मॉनसून. इसको कौन सा बोलेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून. इतना समझ आ रहा होगा साउथ वेस्ट क्यों है, क्योंकि इस तरफ से आ रहा होगा, है ना. तो ये कहानी है रीट्रीटिंग को. और क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. मॉनसून होता क्या है, मॉनसून आर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. ये बहुत बार ऑप्शन में है, सीधा बोला है इंडिया का टाइम लाइक टाइम क्लाइमेट है मॉनसून. बॉडी मीन बाय दैट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल जो टर्म है सीजनल रिवर्सिबल, यानी रिवर्स कहानी हो रही है ना सीजन के हिसाब से. तो लिख लो हल्का सा, मॉनसून इज बेसिकली द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. ठीक है, मॉनसून इज बेसिकली द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर जाने वाला रीट्रीटिंग मॉनसून. ओके, अब होता क्या, आप देखो कहानी देखो, भारत बनाएंगे पहले अच्छी तरीके से कहानी समझ आए कि होता क्या है. भारत में इक्वेटर में ट्रेड विंड बहती है भाई. क्या बहती है, इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं. ओके, ऐसे टाइप ऐसे करके इस टाइप से बहती है. ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सबसे बेस्ट तरीका होगा डायरेक्शन निकालने का, ऐसे एक प्लस बनाओ, ये नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट. क्या है इसकी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, राइट. मैंने मतलब जहां से ओरिजिन होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी, यानी साउथ ईस्ट से ऊपर की तरफ जा रही है. दैट मींस दीज आर साउथ ईस्टर्लीज. ओके, इन्हें या तो ट्रेड विंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, TRADE ट्रेड विंड्स, या फिर साउथ ईस्टर्लीज. ईस्ट से आ रहे ना ईस्टर्लीज, इसलिए ईस्टर्लीज. और सेम चीज ये क्या हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, बाकी ट्रेड विंड है. सेम चीज समझ गए इतनी सी बात, इतना है अभी सेकंड बुक का हमें बताने के लिए, बाकी फर्स्ट बुक से रिलेटेड है. तो होता क्या है, आपका यहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है, परफेक्ट 23.5 degrees north. सपोज मान लो आ गया 21 जून. ठीक है, मतलब जून 21 ही मत लगाओ एग्जैक्टली,
जून लगाओ, नॉर्मल जून में आ रहे हैं यानी गर्मी शुरू होगी, मई जून वाला एरिया, मई जून लगाओ, ठीक है, समर सीजन बता रहा हूं, मई जून वाला एरिया आ गया, तो सन का शिफ्टिंग क्या हो रही है, इंडिया की तरफ हो रही है ना, मैंने बताया था सन कहां से कहां शिफ्ट करता है, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में शिफ्ट करता है, यानी समर में, यानी कि 21 जून को प्रॉपर वो यहां पे आ जाता है और 22 सितंबर को प्रॉपर कहां जाता है, यहां पे, यहां पे हमारी सबसे बड़ी नाइट होती है, पता है ना सबसे लंबी रात कौन सी होती है, 22 दिसंबर, बिकॉज सन यहां पे होता है, दिन तो वहां पे निकल रहा है मस्त वाला, यहां पे तो अंधेरा ज्यादा रहेगा, अरे वो सुन में, तो ये कहानी में हमारे यहां पे गर्मी पड़ती है, यानी कि सन इस तरफ आ रहा है तो लैंड एरिया मस्त तरीके से गर्म होता है ना, एक दिन का खेल जोड़ी है, समर समर तो मस्त रहता है प्रॉपर, 6 महीने वाले अगर देखा जाए तो 3-4 महीने लगा लो, मई जून की गर्मी खतरनाक होती है, तो हमारा ये लैंड एरिया मस्त गर्म होता है, ये तो फिर भी चलो मानो जो ने बताया अरेबियन सी से बच गया हल्का फुल्का ये वाला एरिया, लेकिन यहां पे मस्त दबा के गर्मी पड़ती है, दबा के गर्मी पड़ती है तो यहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, होएगा नहीं होएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और इस एरिया पे देखो जहां पे सन चमकता है एक टर्म है ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जब यहां पे लो प्रेशर एरिया जमता है, ठीक है देखना उस एरिया को, जब यहां पे लो प्रेशर एरिया जम रहा है तो ये आसपास की सारी विंड्स को अपने आप अपने पास खींचता है, कि मैंने बताया हाई टू लो फ्लो करती है विंड, है ना, विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब लो तो सबसे ज्यादा यहां हो रखा है, तो अलग अलग डायरेक्शन से विंड आती है मस्त तरीके से, ओके, तो यहां पे इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हो जाता है भाई, ये ना ये जो काम है, ये मामला ये ITCZ की यहां पे शिफ्ट हो गया, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जहां जहां पे सन रहेगा वहां पे ITCZ रहेगा, जिस एरिया में सन चमकेगा वहां पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करेगा, समझ आ गई, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ITCZ इंडिया के पास आ गया है तो ये आसपास के सारे विंड्स को अपने आप अपने पास खींचता है, तो ये जो साउथ ईस्टर्लीज है ये खिंची चली जाती है इंडिया की तरफ, क्या खिंची चली जाती है, और ये बेचारी जब ये इक्वेटर क्रॉस करती है इनकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है, इंडिया की तरफ आ रही है भाई, हम चलेंगे तुम्हारे साथ साथ, ये कौन सी ईस्टर्लीज है, ये है, ये कौन सी, ये वाली कौन सी है, ये जो कि 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट वाली ईस्टर्लीज है, ये इनके बीच वाली ईस्टर्लीज डायरेक्शन चेंज मारती है, हमारे यहाँ पे से क्या है, कोऑर्डिनेट बताओ, अबे कोऑर्डिनेट बताओ, 68 डिग्री 7 मिनट्स है ना, तो ये डायरेक्शन नहीं मारेगी चेंज, क्योंकि ये तो 60 तक है ना, 60 एंड 40 वाली ये डायरेक्शन चेंज करी आती है, मुझे ध्यान से देख के बताना कि इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, एक तरीके से अगर ये साउथ है और ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट होगी, क्या लिखा है यहाँ पे, तो मानसून आ रहा है साउथ वेस्ट से, समझ आ रही है कहानी कि साउथ वेस्ट क्यों हुई, तो मानसून आता ऐसे है इंडिया के पास, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, समझ आ गई नहीं आ गई, गर्मी हुई यहां पे मस्त मामला गर्म हुआ, मैंने बताया पानी ठंडा गर्म धीरे होता है, तो पानी में कैसा प्रेशर रहा, हाई प्रेशर, क्योंकि सन तो हमारे पास है, लो प्रेशर तो यहां क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए समुद्र से विंड रेनी सीजन में हमारे पास आती है, क्योंकि ये वाली विंड्स अपनी डायरेक्शन बदल के ये डायरेक्शन ले लेती हैं, तो हमारी डायरेक्शन से हम मॉनसून क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून, इसे ही कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, रेनी सीजन आ गया इंडिया के पास, ठीक है, इससे पहले हल्का फुल्का, जब ऑब्वियस गर्मी इतनी ज्यादा होती है तो इससे पहले थोड़ी थोड़ी हवाएं आती हैं, तो बीच में हल्की हल्की बारिश होती है, देखा हुआ उसे प्री मॉनसून सावर कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे तुमने देखा होगा लोकल विंड चलती है गर्मियों में अपने उत्तर प्रदेश बिहार में, चलती है लू, लू का नाम सुना है, गर्म आए समर में, ठीक है, आपके आसाम में नॉर्थ वेस्टर चलते हैं जैसे काल वैसाखी कहते हैं बंगाल में, और बारडोली चीरा कहते हैं किसको, आसाम में, आपके ब्लॉसम सावर एंड मैंगो सावर, वो गर्म हवा इतनी मस्त होती है कि केरला में मैंगो सावर होता है, वहां पे आम जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, केरला वाले एरिया में, केरला कर्नाटका में मैंगो सावर नाम की विंड चलती है, जिससे कि अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस, आम जल्दी पक जाते हैं उस गर्म हवा के चक्कर से, तो ये प्री मॉनसून सावर से पहले चलने वाली विंड है समर की विंड्स,
ये सब तीन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दूंगा। छोटी छोटी नाम है कि कहां कहां बहती है कौन सी विंड्स। ओके, ये आ गया आपका मॉनसून। ठीक है भाई, अब मॉनसून आया, अब देखो अब सारी कहानी वही वाली कहानी शुरू होगी, विंडवार्ड एंड लीवार्ड वाली जो बता रहा था। ये कौन सा सीयर है? अरेबियन। ये तो मॉनसून यहां पे टकरा के दो पार्ट में बट जाता है। किसमें? एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आया ना, और एक अरेबियन सी ब्रांच आया ना। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है, यहां पे कौन से घाट्स हैं? है ना, ईस्टर्न घाट, राइट। तो वेस्टर्न, ये अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है, टकरा रही है यहां से। तो जहां जहां से टकराती है, पहला काम बता रहा हूं, बहुत सारे काम है। पहला काम क्या करती है, ये वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्ट नहीं है और ये वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में विंडवार्ड साइड होने की वजह से मस्त बारिश करती है इस एरिया में बढ़िया तरीके से। और इस एरिया में आते आते यहां पे मतलब थोड़ी कम और यहां आते तो एकदम खाली लीवर्ड साइड। समझ आया कि यहां पे बारिश क्यों हो रही है? विंडवर्ड रिलीफ फीचर ऑफ क्लाइमेट की वजह से। पहली बार समझ आई। अब इसकी एक ब्रांच क्या करती है आगे जाके, नर्मदा, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, तो नर्मदा एंड तापी, इन वैलीज में घुस जाती है और बारिश करती है मस्त तरीके से, और इन वैलीज में घुस के सीधा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल जाती है ऊपर जाके। ठीक है, गंगा वाले एरिया में यहाँ से बागी वागी जाती है, यहां से निकल के आगे सूखी जो उसमें हल्का फुल्का पानी बसता है ऊपर निकल जाती है। दूसरी बात काम, अगली ब्रांच क्या होती है, सीधी निकल जाती है राजस्थान से होती हुई। अब यहाँ पे अरावलीज है इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि टकराई नहीं हो अरावली से। अब टकराई नहीं तो चढ़ेगी जैसे ऊपर, सीधे निकल गई बेचारी, बारिश नहीं होती राजस्थान में, बताओ। दिस इज द मेन रीजन, अरावली कम हाइट पे, बिल्कुल ये कम हाइट हो चलेगा, लेकिन वो पैरेलल ही निकल गई, वो टकराई नहीं, दिक्कत यह है। अच्छा। राजस्थान में बारिश ना होने का कारण वन ऑफ द मेन रीजन है ये कि अरेबियन सी ब्रांच गोज पैरेलल टू द अरावली। अब इसका एक और एग्जांपल सुनो, अरेबियन सी ब्रांच समझ आई। अब आते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच पे। बे ऑफ बंगाल ब्रांच मैंने बताया यहां से घूम के आ रहे हैं ये लोग, ये ईस्टर्न घाट के पैडल निकल जाती है इसलिए यहां पे बारिश नहीं होती, तमिलनाडु फिर सूखा पड़ गया। गर्मी की बात उधर हूं, समझ आ रहा है? ईस्टर्न घाट के पैरेलल जा रही है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दिस इज द रीजन कि तमिलनाडु डू नॉट गेट रेन वॉटर, तमिलनाडु और दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, चेन्नई वाला पार्ट बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है गर्मी वाले एरिया में, रेन सीजन जहां पूरे भारत में बारिश हो रही है, ये बेचारा सूखा पड़ा हुआ है। समझ आ गई? तो ये कहानी यहां पे हुई, पहली कहानी। अब मैंने बताया अराकान योमा, हमारी ये आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भागती हुई ऐसे, देखो यहाँ पे आधी बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं बांग्लादेश, और यहाँ पे एक अराकान योमा जो कि इसका शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है, एंड में ऐसा शेप है इसका, और ये टकरा के सीधा सीधा अंदर भेजता है ऐसे, समझ आ रही है, इस तरीके टकराता है। तो बेसिकली देखा जाए, डायरेक्शन देखी जाए कि इंडिया में मॉनसून ईस्ट साइड में कहां से घुस रहा है, ईस्ट या साउथ ईस्ट साइड से आया ना, है ना। ये डिटेल के लिए है, जब क्वेश्चन डीप पूछा जाए तब ये बात बोलना, वरना यही रहेगा। बोले मॉनसून की डायरेक्शन क्या होती है, इनकमिंग मॉनसून की साउथ वेस्ट, बोले मॉनसून की साउथ वेस्ट होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल और ईस्ट इंडिया में कहां से घुसता है, तब ये डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट। समझ आ गई कहानी, रीजन समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि टकरा के सीधा है, बारिश बता रहा हूं बारिश कैसे हो रही है, ठीक है, ये सीधे जाती है यहां से मिलती है, इससे ही मिल जाती है लोग, और फिर हल्की फुल्की बारिश करती है लोग यहाँ पे, ठीक है। हल्की फुल्की बारिश क्यों यहाँ पे कोई बता सकता है, ज्यादा बारिश क्यों नहीं, पानी खत्म, यस, अरे यहां से पानी भर के इतना दूर थोड़ी ले जाएगी, नीचे करती रही जो भी उसको थोड़ा थोड़ा बचा, जो जो मिलता रहा वहां वहां करती रहेगी, जो जो सी के पास है। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, धरती से ज्यादा सी में ज्यादा बारिश होती है, पता तुमको ये, जो तुमने पुरानी मूवी देखना सेलर्स, मस्त बारिश होती है, क्योंकि वहां पे तो पानी नीचे है, पानी सप्लाई मिल रही है बादल को, गर्म हुआ बादल बना छोड़ दिया, कहां पे, बट ये कन्वेंशनल रेनफॉल है, एक रेनफॉल है डिफरेंट टाइप्स, ये रिलीफ रेनफॉल है, कन्वेक्शन रेनफॉल, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के रेनफॉल है, समझ आ रहा है। रेनफॉल का वन ऑफ द एक रीजन ये है, और सी वाला कन्वेक्शन रेनफॉल, जब बादल में ज्यादा पानी हो जाएगा वो गिरेगा ही गिरेगा,
सेकंड बुक में करवाऊंगा ये सब, टाइप ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, आपका ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, साइक्लोन से भी जो साइक्लोन बनता है उससे भी तीन टाइप के रेनफॉल होते हैं, ठीक है, साइक्लोन रेनफॉल, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ, जो आपका जीरो डिग्री पे हो रहा है, मैंने बताया जीरो डिग्री पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया है, सीधा ऊपर ठंडा होता है, बादल बनते हैं, कन्वेक्शन करंट से नीचे गिरा देता मामला, ये इसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो मैंने करवाया पहाड़ वाला, इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ वाला लिखा ना, रिलीफ लास्ट में जो टर्म थी, रिलीफ रेनफॉल की रिलीफ है ना, वहां पे प्रॉपर आ रहा है वो। थर्ड होता है वॉल्केनिक, लाइक साइक्लोनिक, साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन की वजह से साइक्लोन आते हैं समुद्र में, आपके देखे होंगे कि भाई आज हिट कर गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला साइक्लोन, बारिश होगी वहां पे, मस्त बाढ़ आ गई, वो साइक्लोन की वजह से होते हैं, बताएंगे उसको भी, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है सेकंड बुक में प्रॉपर रीडिंग, आई विल डील विद दिस, ओके। ये समझ आ रहा है क्या कहानी है, यहां से अब एक क्या कहानी होती है, इसकी एक ब्रांच ब्रह्मपुत्र वैली कवर करी, वैली पता है ना, वैली रास्ते है यार, वैली कवर करी, ब्रह्मपुत्र में घुस गई और पूरा यहां पे हरा भरा कर दिया, समझाया, ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में कैसे बारिश हो रही है। और यहां पे एक छोटू सी ब्रांच, यहां पे कौन सी हिल्स है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया में ट्रैप हो जाती है, मालडगा अलग है वो वेस्ट बंगाल में, बताएंगे उसको क्या क्या कहानी है। तो वो कुछ, वो भी कुछ इस तरीके का मामला है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, और बेसिकली खासी, खासी हिल्स में उसका जो शेप है कुछ इस तरीके का है, उस ब्रांच को ट्रैप ही कर लेता है, फंसा लेता है, जाने नहीं दूंगा। और वहां पे होती है दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल खासी हिल्स में होता है, चेरापुंजी एंड मासिनराम, ये जगह का नाम है जहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ शेप ऑफ दैट हिल। खासी हिल्स में चेरापुंजी और मासिनराम, ऐसे न्यू दिल्ली नारायणा, ओके, ऐसे मासिनराम और चेरापुंजी, ओके, इसकी वजह से वहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल कहां पे, खासी हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। खासी हिल्स में एक प्लेस है चेरापुंजी मासिनराम, वहां पे मामला होता है, समझ आ रही इतनी सी बात। ये तो यही ट्रैप होगी बेचारी, ब्रह्मपुत्र वाली ऊपर चली गई, उसको वो चली गई, जाने दो उसको। अब ये बाकी मैंने बताया क्यों नहीं हो रहा है हमें बारिश, क्योंकि सी से दूर आ गई है, सी से दूर आ गई है, पानी कम है इनके पास, क्योंकि है नहीं, मॉइस्चर कहां से मिलेगा, तो लैंड ही ना पूरा, तो यहाँ पे कम, जैसे जैसे, ये भी एक फैक्ट है, जैसे जैसे सी से दूर जाते हैं वैसे वैसे बारिश कम होती जाती है, द रीजन इज बीइंग ओनली दिस। तो मैं एक रियलिटी बताता हूँ, व्हेन यू गो टू भोपाल और समवेयर अराउंड बैंगलोर, इस रेनी सीजन में एसएसबी देने जाओगे, ट्रेन में जाओगे ना, ट्रेन में जाओगे, फ्लाइट से नॉर्म, फ्लाइट में चले, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ट्रेन में जाओगे तो तुम्हें बादल देखेंगे लिटरली ऐसे आते हुए, मॉनसून बहुत प्यारा दिखता है यार। व्हेन यू गो फ्रॉम दिल्ली टू दिस बैंगलोर एरिया ड्यूरिंग एसएसबी इन दिस रीजन, इन दिस सीजंस, सीजन समर सीजन, समझ आया, वो वाला क्लियर हुआ, विंडवर्ड एंड क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, समझ आया क्या क्या कहानी हुई। तो ये कहानी है, देखो लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है, ये कहने वाला था मैं उस टाइम, ये कहानी होगी गर्मियों की, गर्मियों के बाद की। अब आते हैं इस वाली टर्म पे, विंटर एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पे, ठीक है, ये क्या कहानी है। तो हमारी मेन जो वर्षा है हमारी समर ये मॉनसून में इससे होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। अब टर्म आएंगे जो मैंने पहली टर्म तुमने लिखवाई, सीजनल रिवर्सल है ना, ये लिखवाया ना मॉनसून का मैंने डेफिनेशन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब करवाएंगे इनका रिवर्स करवाएंगे, जैसे लैंड ब्रीज सी ब्रीज में होता है वही होगा यहाँ पे भी, अभी देखो कहानी वही है, बस कंफ्यूज होने बच्चों डरा देते हैं लोग, ये तो बना ले क्या देख लेना, बता रहा हूँ, चिंता मत करो यार, चलो छोड़ो। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ, वो जो म्यांमार में जो कुछ है ना रेंज है अराकान योमा, तो वहां बहुत बारिश होती होगी, बिल्कुल होती है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का वही मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है, वहां पर मॉनसून ही तो आ रहा है एक तरीके से, अभी हम इंडिया का डील कर रहे हैं बस नॉर्मली, इसलिए इंडिया के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, जो बुक ये वाली बुक है इंडिया के रिस्पेक्ट में, सेकंड वाली बुक में सारे पूरे वर्ल्ड का दिया हुआ, तो उसमें वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। बेसिकली मॉनसून टाइम में क्लाइमेट नॉट इवन इंडिया, हर जगह मिलेगा थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन इंडिया का मेनली मॉनसून है ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर तरह से मैंने बताया, जैसे इक्वेटर तो बहुत कंट्री से पास हो रही है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे वो क्लाइमेट है, लाइक मॉनसून वाला भी बहुत कंट्री के पास है, ये चीज है, तो सेम चीज मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का।
भैया आप पहाड़ों पे कैसे होती है बारिश? कौन से पहाड़ों पे? ऊपर अभी करवाते हैं, लद्दाख के तरफ अभी करवाते हैं, लद्दाख डेजर्ट है। हाँ मतलब उससे भी होगा वही पहाड़ों अभी करवाते हैं, जम्मू कश्मीर अभी करवाएंगे। ठंडियों में होती है वहां ज्यादातर स्नोफॉल है ना। देखो ये है आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, टॉपिक कैंसर है। अब आते हैं इस टर्म पे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है और रिटेटिंग मॉनसून क्यों कहते हैं। सन क्या करा आफ्टर दिस, जून टू सितंबर इज मॉनसून सीजन इन इंडिया, जून टू सितंबर। ठीक है, जून से बारिश शुरू होती है। Yes. कहते हैं 1 जून को आपका केरला कोस्ट पे बारिश हो जाती है और अप टू 15 जुलाई पूरे इंडिया में बारिश होती है 15 जुलाई, उसके बाद कम होती है सितंबर तक खत्म हो जाती है। जून टू सितंबर इज द मॉनसून मंथ ऑफ इंडिया, आफ्टर सितंबर अक्टूबर आ जाता है ना। तो सन क्या कर रहा है, साउथवर्ड मूव कर रहा है। सन क्या कर रहा है, साउथवर्ड मूव कर रहा है। साउथवर्ड मूव करते करते वो भाई साहब क्रॉस कर गए इक्वेटर को अराउंड सितंबर। ठीक है, सेप्टेम्बर उन्होंने इक्वेटर क्रॉस कर दिया, इक्वेटर से वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आने लग गए जहां पे इक्विनॉक्स कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ओके, तो ये कहानी है जब ये क्रॉस करते हैं। मैंने बताया सन कहां पे, नीचे, तो आईटी सीरियड भी चला गया कहां पे, सन के पास। तो यहां पे वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, यानी अगर हम लैंड और सी में देखें तो लो प्रेशर एरिया कहां पे होगा, सी वाले एरिया में होगा, है ना। सन तो वहां पे चमक रहा है, तो लो प्रेशर एरिया सी में होता है ठंडियों में, और हाई प्रेशर कहां पे क्रिएट होता है, लैंड एरिया में। अब क्या होता है, जिस जिस डायरेक्शन से विंड आती है उसी उसी डायरेक्शन से निकल जाती है। अब ये विंड यहां पे थी, ऐसे ऐसे वापस आई है ना, और ऐसे ऐसे निकल गई, निकल गई नहीं निकली, ठीक है। और जब ये ऐसे निकलती है भाई, यही तो रूट था इनके बेचारियों का, सेम रूट से वापस आएंगे। ये पानी कहां से आया फिर, अभी बता रहा हूँ, सुन लो अभी कहानी सुनो पहले पूरी, ठीक है। तो जब ये वापस आती है तो यहाँ बारिश नहीं होती है ठंडी में, दिल्ली में कहा मुश्किल से लाइक वो एक भी बताएंगे, यूपी बिहार में बारिश नहीं होती ठंडी में, ऐसे कोई माह की बाढ़ आ गई मान लो, ये सर्दियों में ऐसे कर, हल्की फुल्की कन्वेक्शन हल्की फुल्की हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन एज पर दिस थ्योरी बारिश नहीं होगी और नहीं होती है। लाइक माइनर तो हल्का फुल्का चलता है, लेकिन वैसे बारिश वाला मौसम नहीं है वहां पे। लेकिन इसकी अब दिलचस्प कहानी क्या है, तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है भाई, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। क्या मानसून हुआ ये, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और एकदम विंड रिवर्स हो गई है, देख रहे हो। और यहां से पानी पूछ रहा था, ये यहां से आ रही है, पानी नहीं ला रही है, यहां से पानी लाती है विंड्स, बंगाल से पानी लिया, तमिलनाडु को उस पे घेर दिया, कर्नाटका, साउथर्न कर्नाटका, साउथर्न आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु को प्रॉपर, चेन्नई में इस टाइम बाढ़ आती है। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया, ये ओरोग्राफी की हो गया एक तरीके से, ईस्टर्न घाटी टकरा के कर रही है मस्त बारिश, है ना, ये कहानी है मेनली। ओके, अब आता है कि यहां पे कैसे बारिश होती है। देखो यार, एक हमारे यूरोप में वेस्टर्न डिस्टरबेंस नाम का केस होता है, वहां पे कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से वहां की विंड्स हमारे पास आती हैं। तो वहां की विंड्स जब आती हैं तो देखो ध्यान से, मेडिटेरेनियन एरिया में, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहां से विंड्स आती हैं। एक और बात बताता हूं, एक एक एयर और चलती है जिसे अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्यों कहते हैं इनको, जब कभी वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है शायद, कि जब जेट उड़े थे तो उनको एक अलग टाइप की एयर फील हुई, उनको लगा जब हम आ रहे थे तो हम बहुत तेज आ गए और जा रहे थे तो थोड़ा धीरे है। तो देन साइंटिस्ट फाइंड आउट कि कौन सी क्या है, भी कौन सी हवा चल रही है ऊपर एकदम, की जेट तो ऊपर उड़ता है राइट, एरोप्लेन से भी ऊपर, तो उस एरिया में चलते हैं जेट स्ट्रीम्स। तो उन विंड्स को क्या बोला गया, जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स जो चल रही है वो पूरे वर्ल्ड में, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपर एयर में चल रही है। ओके, तो यहां पे जब जेट स्ट्रीम चल रही थी भाई, तो यहां से वो विंड्स क्या लाए अपने साथ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाएंगे। डिस्टर्बेंस है समझो कि वहां पे कुछ पानी लाइक बारिश जैसा मामला हो रहा है, और कैसे हुआ, वो हवाएं मेडिटेरेनियन सी से आई, तो मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाया,
बीच में ब्लैक सी और कैस्पियन सी भी बढ़ते हैं, वहां से भी पानी उठाया और हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे बारिश करी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, यानी लाइक आपके ये वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला एरिया, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये कहाँ पे पैदा हो रही है? मेडिटेरियन सी के ऊपर, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। कैसे आई यहां तक? जेट स्ट्रीम खींच के लिए, समझा कितनी सी बात। यही रीजन है ये इस टाइम सर्दियों कौन सी क्रॉप उगती है इंडिया में? रबी क्रॉप्स, है ना, रबी क्रॉप आता है वीट वगैरह, ये बहुत यूजफुल होती है रबी क्रॉप के लिए वाली बारिश। ओके, दिस बारिश, दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसका मॉनसून से कोई लेना देना नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये जो बारिश है इट इज वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप। ओके, तो ये इस एरिया में होती है और जम्मू कश्मीर मैंने बताया हाइट पे है, तो यहां पे ये स्नोफॉल के रूप में होती है और ये वही स्नोफॉल है जहां पे ग्लेशियर फिर बन जाते हैं। अगर ये ना हो ग्लेशियर नहीं बनेंगे, मेन रीजन है ग्लेशियर फॉर्म होने का वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यही रीजन है कि ग्लेशियर बना है और ग्लेशियर है आपका क्या मामला, क्यों रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल वहां पे क्या स्नोफॉल के रूप में, राइट, बर्फ गिरेगी यहां पे, देखना भी धीरे धीरे जैसे सर्दी आएंगी बर्फ गिरना शुरू होगी और फिर बारिश भी होती है यहाँ पे, देखा होगा तुमने ठंड में, हाँ जी ठंड में बर्फ, है ना, कंफ्यूज आता है बंदा रेनकोट पहने हुए जर्सी, है ना। सो ये कहानी, दीज आर ऑल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, यहाँ पे ग्लेशियर बन रहे हैं, यही रीजन है इंडिया के रिवर्स का पेरेनियल होने का ऊपर, पेरेनियल मतलब जो सालाना बहती है। यहाँ पे कावेरी एक एक्सेप्शन है, कावेरी रिवर में भी सालाना पानी रहता है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में तो उसको साउथ वेस्ट मॉनसून से मिल जाता है और सर्दियों में नॉर्थ, समझ आ गया, गोदावरी और ये यहाँ पे नहीं होगा, गोदावरी में पानी नहीं मिलेगा उसको, इस नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, महाराष्ट्र में बेचारे भूखे फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ बैठ के, तो वो पेरेनियल नहीं है। नो, पेरेनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर्स। पेरेनियल क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारा पानी ज्यादा रहे, अब ये नहीं सूखी जाए तो पहले लाइक सीजनली बोलेंगे, कम क्वांटिटी, बहुत ही लो क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। सारी पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती है, ठीक है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी एंड एक्सेप्ट कावेरी। हाँ भाई, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो पैरेलल आएगा उसके, कौन सा पैरेलल? अरावली नहीं, अरावली से नहीं आएगा, सीधा ऐसे आएगा, वो ईस्टर्न घाट से पैरेलल आएगा, टकरा गया ना यहाँ पे तभी तो बारिश कर गया, पैरेलल आता तो निकल नहीं जाता, तमिलनाडु फिर ऐसे गर्मियों में टक्कर मारती है, तो गर्मियों में यहाँ पे साइक्लोन आते हैं, ठीक है, न्यूज में सुना होगा, उड़ीसा में, यस उड़ीसा को छोड़ी दूं, यहाँ तो बेचारे पैरेलल निकल गए, यहाँ पे सर्दियों में आते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम, इसे कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसे वेस्टर्ली, ये वेस्ट से आ रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और ये ईस्ट से आ रही है तो इसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, इनको सेकंड बुक में कराऊंगा, सभी इतना समझो, समझ आ रहा है ना हल्का फुल्का, ये साइक्लोन आने का कारण क्या है मेनली, ये कारण। ओके, ये है मॉनसून, आज का प्रॉपर क्लास जो मेनली इसी के ऊपर थी, समझ आया मॉनसून कैसे बारिश हो रही है, साउथ वेस्ट का मतलब समझ आया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ आया, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड की बोला गया, समझ आया, अब लिख लेते हैं इसको। एक है टर्म अक्टूबर हीट, अक्टूबर के मंथ में अक्टूबर हीट जैसा फील होता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अब पता क्या है, ये सब चीजें ना पहले होती थी एग्जैक्टली, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज जैसी चीज नहीं थी, राइट, अभी क्या है थोड़ा क्लाइमेट चेंज वाला मामला है, तो जब जरूरी नहीं कि अक्टूबर में होगी, ठीक है, आगे पीछे होती है, होता क्या है, जैसे ही ठंड आती है, ठीक है, जैसे ही ठंड आई आपकी, तो सीन क्या होता है, आपका सन पीछे जा रहा है, हमारे पास स्काईज क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, बादल बनने बंद हो गए ना, तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, अक्टूबर वाले एरिया में मैंने बताया मानसून कब से कब तक है, जून टू सेप्टेम्बर, तो अक्टूबर वाले टाइम में क्या होता है, स्काईज स्काईज बिकम क्लियर, ठीक है, बादल नहीं है, तो सनरेज क्लियर आती है नीचे,
अब सीन क्या होता है, नीचे जो लैंड एरिया है उसमें तो मॉइस्ट होगा लैंड, क्योंकि पानी अभी अभी सितंबर तक मस्त बारिश हुई है, तो नीचे ह्यूमिड कंडीशन होती है और ऊपर से मस्त चमकती हुई धूप आती है उस टाइम में, और सीन हो जाता है आपका हॉट एंड ह्यूमिड, तो चिपचिपा सा फील होता है आपको, है ना, सर्दियों के स्टार्टिंग में। तो दैट इज द टाइम विच इज कॉल्ड अक्टूबर हीट, बड़ा बड़ा दुख देने माहौल हो जाता है उस टाइम पे, चिपचिपा जैसी फील होती है, दैट इज अक्टूबर हीट, इसके वजह से, क्योंकि स्काईज नहीं होते क्लियर, बादल नहीं होते उनके पास, तो आपका क्या है क्लियर स्काईज है, हीट आ रही है लेकिन लैंड एरिया क्या है मॉइस्ट स्टिल, तो एवोपरेट करता है हवा में, प्रॉपर ठीक से हवा नहीं चल रही है तो वहां पे मॉइस्चर वाला एरिया हो जाता है मामला प्रॉपर तरीके से, तो चिपचिप वाला एरिया हो जाएगा, तो उसे अक्टूबर हीट बोलते हैं। ओके, अक्टूबर मंथ में होती है जनरली, दैट्स व्हाई रिलेटेड टू अक्टूबर हीट, ये कहानी। तो लिख लो फटाक से, लिखवाता हूं मानसून के ऊपर, लिखो कि इन समर मंथ बिकॉज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इन समर मंथ बिकॉज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, देयरफोर देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एग्जैक्ट बताओ तो ये होता है 25 डिग्री नॉर्थ में एट 25 डिग्री नॉर्थ 2330 से हल्का सा ऊपर, ठीक है, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा से थोड़ा जो मध्य प्रदेश यूपी के एरिया में होता है इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मामला, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर अपना इससे, तो यहां पे लिख लो दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, है ना, देयरफोर इट अट्रैक्ट्स विंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स ओवर द नियर बाय एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। ओके, अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, The trade winds blowing in the southern hemisphere वाली है ना, ये वाली जो इक्वेटर के नीचे से आई, southern hemisphere crosses the equator between 40 degree east and 60 degree east, 40 degree east and 60 degree east longitudes, ठीक है, and follow the southwesterly direction, है ना, southwesterly direction to blow towards India, these winds because coming from sea area, sea ke upar se aa rahi hai, sea ke paas se aa rahi hai, therefore carries moisture with them and hit the coast of Kerala
on 1st of June, around 1st of June, as southwest monsoon. Samjha? Hmm. As southwest monsoon. Para change karo. Southwest monsoon, SW monsoon, likho direct. SW monsoon, southwest monsoon. After hitting the coast of Kerala, bifurcates into two branches, Bay of Bengal branch and Arabian Sea branch, है ना? Bay of Bengal branch and Arabian Sea branch. Bengal branch and Arabian Sea branch. Anuvit, monsoon समझ आया? पक्का? Good. Monsoon के काफी question आते हैं. बहुत like ये concept है. समझ आया ना क्या है? अब रट्टा मारने वाली चीज नहीं रहेगी. कभी कभी रट्टा भी लगता है इसलिए साउथ और साउथ लगे पड़े. अब समझ आ गया तो क्यों रट्टा मारना? हमें पता है विंड्स की डायरेक्शन कहां से होंगी, जहां से ओरिजिन हो रही है. सिंपल सी बात है. तो नाम देख के पता लग जाएगा कि कहां से आ रही है, है ना? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तो वेस्ट से आ रही होगी, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तो ईस्ट से आ रही होगी, है ना? तो ये कहानी क्या लिखवाया एंड में? ओके ओके, इसमें एक फैक्ट लिख लो. जब आता है मानसून उसे ब्रेक ऑफ मानसून कहते हैं. द कमिंग ऑफ मानसून इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ मानसून. मतलब जिस टाइम पहली बारिश हुई उसे लाइक कमिंग ऑफ मानसून इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ मानसून. व्हेन इट फर्स्ट रेन्स ओवर इंडिया. भाई मानसून का ब्रेक ऑफ हो गया, आ गया, ठीक है. अब ब्रेक इन मानसून क्या होता है? तुमने देखा होगा पूरे जुलाई में लगातार बारिश थोड़ी होती है, लगी पड़ी है भाई साहब पूरे महीने महीने, नहीं, बीच बीच में रुकती है, है ना? उसका रीजन ये होता है कि पीछे से विंड आ रही है, फिर उसको हेल्प करती है, पानी खत्म, पीछे से आई, फिर दोबारा से बारिश, ये है ना, रुक रुक के होती है. जिस रुक रुक, सुन लो, इस रुक रुक के बारिश होने को कहते हैं ब्रेक्स इन मानसून, ठीक है? समझ रहे? ऑफ मतलब आई तो ब्रेकअप हो गया, और इन हो रहे हैं, ब्रेक इन आ रहे हैं बीच बीच में, इसको कहते हैं ब्रेक इन मानसून. यानी रुक रुक के बारिश हो रही है, लगातार महीनों महीनों नहीं होती है. इक्वेटर में उल्टा है, वहां तो दिन रात चलता रहता है मामला. हल्की हल्की ड्रिजलिंग मिलेगी, कभी विजिट करना इस एरिया में, यू विल हैव हल्की हल्की ड्रिजलिंग ऑल ओवर द टाइम. जैसे रिंग ऑफ फायर में यहाँ पे इस एरिया में आपको हल्का फुल्का अर्थक्वेक आते रहता है यहाँ पे. यहाँ पे ये, अरे यार वही है, ऐसे कर लो ना. नहीं नहीं, मतलब अमेरिका के वो जो ओशन है नॉर्थ अटलांटिक, वही ना? ये नॉर्थ एंड, नो नो नो, रिंग ऑफ फायर इज इन पैसिफिक. पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर, सॉरी पैसिफिक, ठीक है. पैसिफिक को ऐसे कर दिया, उधर अमेरिका आ गया, इधर ये, तो रिंग ऑफ फायर में आए दिन आते रहते हैं उसको. ऐसे ही आपका इक्वेटर वाले एरिया में मोस्टली कन्वेक्शन रेनफॉल होता रहता है. लाइक दिन में गर्मी तुम देखा होगा कभी कभी, जिस दिन मानसून वाले एरिया में, जिस दिन में बहुत तगड़ी तरह की गर्मी पड़ती है, शाम को मस्त बारिश होती है, है ना? आज तो भी तब गए तो शाम को बारिश हो जाती है. इससे कहते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल. इक्वेटर में कन्वेक्शन के उस टाइम मस्त गर्म किया, लो प्रेशर क्रिएट किया, ऊपर गया आपका मॉइस्चर वाला एरिया और नीचे आ गई बारिश. जब कन्वेक्शन रेनफॉल, कन्वेक्शन करंट की वजह से हुआ, कन्वेक्शन आर एयर, ओके. तो इक्वेटर में तो है ही आपका सन 24 घंटे एक तरीके से, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड, तो ये होता रहता है. जनरली इसको 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं, ओके, कन्वेक्शन रेनफॉल को, क्योंकि शाम तक हो जाती है बारिश, तो यहाँ पे हर डे पानी पानी, ओके. इंडिया वैसा नहीं है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं आप, बिल्कुल है, ना? बिल्कुल है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्गो का प्रॉपर बेसिन पूरा फॉरेस्ट से बना हुआ है, बीच वाला कॉन्गो वाले एरिया, कॉन्गो कंट्री, इंडोनेशिया फॉरेस्ट से बना हुआ है प्रॉपर तरीके से. आपका देखो अंडमान निकोबार कितना पास है उसके, अंडमान निकोबार फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है नहीं है, जितना इक्वेटर के पास उतना फॉरेस्ट एरिया, ठीक है. तो कहां पे थे हम?
आपने बताया था ब्रेक डाउन ऑफ मॉनसून, ब्रेक ऑफ मॉनसून, ब्रेक इन नहीं लिखवाया, ब्रेक इन लिखवाया, ब्रेक इन नहीं ब्रेक ऑफ लिखवा दिया ना, ब्रेक ही लिखवाया आपने, ऑफ की बात है, ब्रेक ऑफ मॉनसून, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ मॉनसून, ब्रेक ऑफ मॉनसून। देखो ड्यूरिंग रेनी सीजन इन इंडिया, ड्यूरिंग रेनी सीजन इन इंडिया देयर इज ड्राई स्पेल्स, there is dry spells for some days and rain again for other day. This intermittent raining, ये engineering term intermittent, ऐसे टड़क 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 ऐसे करके, तो intermittent raining रुक रुक के, इसे लिख लो हिंदी में लिख लिया करो, इंग्लिश लिखा करो, intermittent regular रुक के रेनिंग इज कॉल्ड ब्रेक इन मॉनसून। ठीक है, ब्रेक आ गए भी बीच बीच में, ठीक है, ब्रेक ऑफ बता दिया, ब्रेक इन बता दिया। एक फैक्ट लिखो इसमें तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु कोस्ट डू नॉट गेट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून। दो कारण, पहला कारण क्या, क्या होता है, कैरियर, क्या चीज बोली मैंने उसके लिए, यस बिकॉज तमिलनाडु कोस्ट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। देख लो पहला रीजन, बिकॉज तमिलनाडु लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, समझ आ गई, बना लिया था वो विंडवर्ड लीवर्ड पहाड़ ऐसा कर बना लिया था सबने, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखते समझ आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज तो तुमने बनाया, तोड़ूंगा तो बनाओ पार्ट, अभी बना लो, साथ में बना लो इसी के, ऐसे लिख लो सिर्फ ऐसे पार्ट बनाओ, ठीक है, यहाँ पे बादल बनाओ हल्के हल्के, ठीक है, ऐसे देखो बादल बनाओ, बारिश करा दो, ठीक है, इधर देखो ये विंड्स आ रही है, जहां से विंड्स आती हैं उसे विंड वर्ड साइड कहते हैं, विंड वर्ड साइड, और जहां पे विंड नहीं गिर रही है उसे लीवर्ड साइड, ली डब्ल्यू ए आर डी, लीवर्ड साइड, ठीक है भाई, लिख लो इसको, तमिलनाडु कोस्ट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। पहला रीजन तो ये कि साउथ वेस्ट मॉनसून बारिश नहीं हो रही। दूसरा रीजन क्या, अरेबियन सी ब्रांच क्या क्या करती है, लीवर्ड साइड क्या बोला, ऑफ दिस वन वेस्टर्न घाट। अब दूसरा रीजन है कि चलो ये तो अरेबियन सी ब्रांच की ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, वे बंगाल क्यों नहीं करती, बिकॉज लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न, लिख लो सेकंड, बिकॉज बे ऑफ बंगाल ब्रांच लाइज पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट्स, therefore it do not rains on Tamil Nadu area. सूखा पड़ रहा था पूरे देश में, बारिश होती होती है तमिलनाडु पाने के लिए, बड़ी दिक्कत, बाद में से पूरी एनफ होती है, फिर बाढ़ आती है, हाँ फिर हाँ कावेरी पूरी मिस मैनेजमेंट रहती है, समझा, ये फैक्ट ब्रेक इन बता दिया, ब्रेक ऑफ बता दिया, बारिश हो गई, लिख लो इसको, अप टू 15 जुलाई, अगला पैराग्राफ, अप टू 15 जुलाई होल इंडिया इज कवर्ड बाय मॉनसून विंड्स, मॉनसून आर विंड्स, ओके, मॉनसून आर रिवर्सल विंड, समझ आ रहा ना, दो नाम तभी तो है इसके, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, कवर्ड बाय मॉनसून विंड्स, ये हो गया आपकी कहानी, मॉनसून चला गया ऊपर तक, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक चीज लिख लो, हाँ कि मैं ये नहीं लिखवा रहा कि अरेबियन सी ब्रांच कैसे से क्या बारिश करती है, तो समझाने वाली बात थी, लेकिन फैक्ट लिखो इसमें कि मौसिन राम इन चेरापूंजी इन खासी हिल्स, मौसिन राम MAYSANWRAM ऐसे करके लिख लो, मौसिन राम इन चेरापूंजी इन खासी KHA खासी ठीक है, खासी
इन खासे खासे हिल्स ऑफ मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, प्लेट्यू का पार्ट है रे वो, मालूम है अब बता दे रहा हूँ क्या है रे, देखो भाई कहानी पढ़ा हुआ चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा किसी ने, मैंने पहले सुबह प्लेट्यू लिखवाया था तो बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक रीजन ये बेचारा यहाँ से टूट गया और यहाँ पे छोटा सा इसने पार्ट छोड़ दिया। ये गारो खासी जयंते हिमालय का पार्ट नहीं है, ये प्लेट्यू का पार्ट है और जो ये बच्चे धसने ये जो नीचे धस गया इसे कहते हैं मांडला गैप। क्या कहते हैं? मांडला गैप, मांडला गैप वेस्ट बंगाल। ये प्लेट्यू का ही पार्ट है गारो खासी जयंती। हम समझ आ रही है जो छोटा नागपुर वो ये छोटे प्लेट्यूज है, छोटा प्लेट्यू ऑल प्लेट्यूज, लेकिन उसके आगे इस मांडला गैप की वजह से गंगा यमुना नीचे की गंगा जी नीचे की तरफ आ रही है, गैप क्रिएट हुआ ना। कहते हैं स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में पहले एक ही रिवर बहती थी, घग्गर आगरा या सरस्वती रिवर, जो कि सीधा आपके से तिब्बत वाले एरिया से निकलती थी और कराची वाले एरिया में गिरती थी। बट ड्यू टू सम रीजंस वो वाला पोर्शन थोड़ा उठ गया और ये वाला पोर्शन नीचे धस गया, तो इधर से ब्रह्मपुत्र आ गई इस तरफ, उधर से गंगा रिवर क्रिएट हो गई और जो बीच में हरियाणा पंजाब और मेनली अंबाला, अंबाला एक्ट एज अ वॉटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, ये चीज पढ़ने वाली चीज है, नॉर्मल मेन जो बताना था ना बता दिया। ओके, एक लाइन पढ़ो लास्ट वाली, क्या हैव हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड, हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड, जितने पूरे राजस्थान में पूरे साल नहीं होती उसमें एक दिन हो जाती है, बताओ। ठीक है, ये कहानी मौसम मस्त, इतनी ज्यादा बारिश होती है मिट्टी नहीं बचती बेचारे के पास, लेटराइट सॉइल कारण है बहुत बड़ा, ये सॉइल ही नहीं है, ऐसी सॉइल है ना उगा नहीं सकते उस मिट्टी में, उससे ईंट बना लो, जब सॉइल करवाऊंगा लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल लेटर मींस ब्रिक मेकिंग, ब्रिक वाली सॉइल। इतनी तेज बारिश होगी वहां, उन्होंने ट्रैप ही कर लिया एक अपनी छोटी सी, मैंने बताया वहां पे खांसी में है ना, तो मिट्टी कैसे बचेगी, एलोवेरा सॉइल छोटी बचेगी वहां पे तो बह जाएगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट में बताएंगे इसके बारे में भी, सब रिलेटेड है रेनफॉल से रिलेटेड आपके पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से रिलेटेड आपकी सॉइल, ये तीन से रिलेटेड है आपस में। तो ये हो गया आपका, एक फैक्ट्री लिखवा दिया, एक लिख लो सम पहले इसको मत लिखो, पहले लिखो तुम रिटेटिंग करवाते हैं पहले ना, लिख लो इन विंटर मंथ्स, इन विंटर मंथ्स देयर इज अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, अपेरेंट क्यों, सन नहीं घूमता है अर्थ घूमती है सन के अलावा, इसलिए अपेरेंट बोलते हैं, दिखने हमें दिखता क्या है सन घूम रहा है इसलिए अपेरेंट, राइट। ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन towards the southern hemisphere, there is creation of towards the southern hemisphere, there is creation of high pressure area, है ना, high pressure area over the Indian subcontinent, therefore monsoon winds gets reversed their direction because of change of season, winds gets changes their direction because of change of season, samajh aa raha hai Manish Yadav, because of change of season towards the ocean, है ना, towards the ocean, ocean कह लो या फिर southern hemisphere कह लो एक ही बात है, this is called retreating monsoon, this is called retreating monsoon or northeast monsoon because of direction of winds, because of direction of winds, NE नॉर्थ ईस्ट मानसून, यहाँ पे रिट्रीटिंग जाने वाला, जाने वाले को रास्ता दो वास्ता नहीं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून,
ओके दिस लाइक लिख लो दिस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून वाइल क्रॉसिंग ओवर बे ऑफ बंगाल तो ये बे ऑफ बंगाल से ऊपर से निकल रहा होता है इट ग्रैब्स द मॉइस्चर एंड डू अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल तमिलनाडु डू अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन साउदर्न आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कोस्ट साउदर्न केरला एंड कर्नाटका जनरली आंसर में तमिलनाडु दिखता है तो मेनली तमिलनाडु याद रखना तमिलनाडु एंड साउदर्न कर्नाटका साउदर्न केरला ठीक है समझ आ रहा है ये कहानी है तो पता लग गया तमिलनाडु कोस्ट में किससे बारिश हुई नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से ये याद रखना पूरे ऑल ओवर इंडिया में साउथ वेस्ट से होती है ठीक है एक से लिखवाना भूल गया ये वाली चीज अलग से लिख लो द साउथ वेस्ट मॉनसून अब समझ रहे ना टर्म अलग अलग है द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर्स फ्रॉम साउथ ईस्ट और ईस्टर्न डायरेक्शन इन बंगाल एरिया बिकॉज ऑफ अराकान योमा हिल्स डिफ्लेक्शन Because of deflection by Arakan Yuma Hills. Of Myanmar. है ना ये पता लग जाए कहां पे सर अरा अराकान ए आर ए के ए एन वाई ओ एम ए अराकान योमा योमा ये भी लिखवा दिया ओके इसमें आ गया ये लिख ये अलग से बीच में ना साउथ वो साउथ वेस्ट वाला बीच में यहाँ पे लिखवा दिया कोई टेंशन की बात नहीं 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 भी वो याद रहेगा पैराग्राफ चेंज करके एक चीज लिखो कि इन विंटर मंथ्स इन नॉर्थ इंडिया देयर इज अ रेन बिकॉज ऑफ किसकी वजह से Western disturbances bring up by the jet streams. है ना? These are helpful for Rabi crops in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Delhi area. रबी क्रॉप मतलब जैसे वीट गेहूं ठीक है ओए अब तो अरे हाँ मैन आई वांट टू लाइक क्या था लेक्चर टॉपिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करवा दिया इसमें लिख लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स ओवर मेडिटेरियन सी फुल स्टॉप ठीक है लिख लो इन अक्टूबर मंथ देयर इज स्टार्ट ऑफ रिटर्निंग मॉनसून एंड देयरफॉर वी हैव क्लियर स्काइज ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट देयरफॉर वी हैव clear skies over Indian subcontinent however the land area is still moist
However, the land area is still moist. Therefore, we experience hot and humid type of condition in this time. Hot and humid. Because of high temperature and moisture. अब छोटे छोटे फैक्ट्री को बता सकते लिखो सम लोकल विंड्स हेडिंग डालो सम लोकल विंड्स नेम्स एंड नेम्स छोड़ो लोकल विंड्स लिख लो नंबर वन मैंगो शावर ये विंड्स का नाम है कहां पे होते हैं केरला एंड कर्नाटका ठीक है केरला एंड कर्नाटका ठीक है क्यों मैंगो सावर क्यों बोला अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस कर देते हैं दूसरा है आपका ब्लॉसम सावर कर्नाटका बिल्कुल ब्लॉसम सावर क्या होता है जैसे ये वाली हवाएं चलती हैं गर्मियों के मौसम में कर्नाटका के ऊपर तो वहां के कॉफी होती है वहां पे ठीक है कॉफी का खेती होती है वहां पे तो कॉफी के प्लांट ब्लॉसम कर जाते हैं क्योंकि फ्लावर खिल जाते हैं यानी कॉफी वाला प्लांट जल्दी रेडी हो जाता है कटने के लिए ठीक है मैच्योर हो गया तो इसे ब्लॉसम सावर भी कहते हैं लिख लो Blossom shower happens in Kerala and nearby areas. Okay? Helpful for coffee plantation. Helpful for coffee plantation. Norwesters. Next is Norwesters. 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 इसको दो नाम से बोलते हैं लाइक लिख लो Norwesters blow in. वेस्ट बंगाल नॉर्वेस्टर्स ब्लो इन वेस्ट बंगाल क्या बोलते हैं नॉर्वेस्टर को वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी काल बैसाख के मौसम में काल बन के आती है काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में क्या बोलेंगे नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी और आसाम में भी बहती है नॉर्वेस्टर इन आसाम इज कॉल्ड बारडोली चीरा बारडोली चीरा ठीक है बारडोली बी ए आर डी वाले बारडोली सी एच एच ई आर एच ए चीरा चीरे देना ठीक है ये किसके हेल्पफुल होती है वहां पे आपके राइस की खेती के लिए और जूट की खेती के लिए देख लो हेल्पफुल फॉर राइस टी एंड जूट कल्टीवेशन राइस टी एंड जूट कल्टीवेशन लास्ट है लू है ना कहां रहती है पंजाब से बिहार की तरफ सब आता है उसमें पंजाब बिहार की तरफ पंजाब टू बिहार ये हो गया मॉनसून में यही कहानी है